हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यज्ञदीप अहरवा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी वेबसाइट 10 मिनट में कैसे बना सकते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। यदि आपके पास मोबाइल है या आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो आप अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल है मतलब की, तो आप खुद की वेबसाइट बना सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से और आप 10 मिनट में अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपका कोई बिजनेस है उसके लिए, या आप ऑफिशियली अपनी कुछ चीज़ पब्लिश करना चाहते हैं, जैसे कि आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिस पर आप खुद की जो मूवी है, पसंदीदा मूवी, वो अपलोड कर सके, यस यू कैन डू दैट, आप वो कर सकते हैं। और आप कुछ फाइल पब्लिश करना चाहते हैं, आप फ्री फायर की एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिस पर सभी हैक डले हों, सो आप वो बना सकते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है क्रोम, जो कि आपके मोबाइल में या पीसी में जरूर होगा। क्रोम ओपन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पीसी से या मोबाइल का डेटा ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको जो ब्राउज़र है उसे ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप जो गूगल ऐप्स हैं उन्हें आप ओपन करेंगे। गूगल ऐप्स में स्क्रॉल डाउन करते हुए आप नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखा होगा है मूव फ्रॉम गूगल बैक स्पेस, यानी कि हमें और भी गूगल्स के जो ऐप हैं वो चाहिए। सो यहाँ पर गूगल जो वर्क स्पेस है वो ओपन हो जाता है, तो आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। तो सिंपली आपको लिखना है यहाँ पर गूगल साइट्स, आप एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का जो गूगल साइट्स है वो ओपन हो जाएगी। इसे फर्स्ट लिंक को आप क्लिक करें तो आपकी जो गूगल साइट्स है वो ओपन हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आपकी आईडी है उसी आईडी से लॉगिन करके ओपन हो जाती है। इसके बाद सिंपली आप एक खुद की वेबसाइट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं विथ 10 सेकंड। और यहाँ पर आपको इस वेबसाइट को जो कि आप बनी है उसे किसी ऑनलाइन सर्वर पर डालने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उसे ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही उसे पब्लिश कर देता है और आपकी वेबसाइट जो है उसका एक डोमेन भी आपको देता है, जो कि देख लेंगे कि क्या देता है। और आपकी वेबसाइट का यूआरएल आपके पास होगा 10 मिनट के बाद। सो सिंपली आपको ब्लैंक पर क्लिक करना है, यानी कि हम एक ब्लैंक सीट चाहते हैं ओनली, हम खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ब्लैंक सीट कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं, तो सिंपली मैं दे देता हूँ मेरी वेबसाइट का जो भी नाम मैं रखना चाहता हूँ। मैं बनाना चाहता हूँ एक वेबसाइट जिस पर मैं नेचर के बारे में एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। इसकी जो टेक्स्ट लाइन है वो मैं सेंटर करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप टेक्स्ट लाइन सेंटर कर सकते हैं। सो सिंपली मैंने टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर दिया और फॉन्ट को थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, बिकॉज आई लाइक बोल्ड फॉन्ट। और आप एक क्रिएटिव पॉइंट भी यहाँ से चुन सकते हैं। सो यहाँ से मैं लाइक दैट, दिस इज परफेक्ट फॉन्ट। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट इंटर साइट्स नेम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेचर, नेचर कैपिटल एंड कर देता हूँ यहाँ पर, दिस इज नेचर परफेक्ट नेम यहाँ पर मैंने रख दिया। सो यहाँ पर सिंपली आप एक, यदि आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिंपली एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं अबाउट नेचर, और मैंने यहाँ पर अबाउट नेचर लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैं एक फॉर्म चाहता हूँ जिसमें मैं कुछ नेचर के बारे में लिख सकूँ। सो इस प्रकार की एक चीज़ पर उठा के यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। इस पर मैं प्लस पर आइकन पर क्लिक करता हूँ, अपलोड इमेज, सेलेक्ट इमेज, और यहाँ पर बहुत सारी जो ऑप्शन है वो मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर करूँगा कि मैं अपलोड इमेज पर सेलेक्ट करूँगा, तो अपलोड इमेज पर मैं एक इमेज अपलोड कर देता हूँ या अपने ड्राइव से जो कि थोड़ा नेचर से रिलेटेड हो, लाइक दैट, और इसे ओपन कर लेता हूँ।
और यहाँ पर नेचर के बारे में थोड़ा सा कुछ लिख देता हूँ, नेचर। और यहाँ पर सिंपली लिखने के लिए आप सिंपली एक नया टैब खोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पैराग्राफ अबाउट नेचर। सिंपली आप इस पैराग्राफ को हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, एंड हिंदी लिख रहे हैं आप तो यहाँ पर हिंदी में एक टेक्स्ट आ जाएगा। सिंपली आपको उसे कॉपी कर लेना है और हिंदी में भी आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो जो थोड़ा टेक्स्ट है वो थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैं इमेज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि एक जो फील होती है वो आ जाए वेबसाइट में। सो हमारी जो नेचर वेबसाइट है वो धीरे धीरे यहाँ बनना शुरू हो चुकी है और कुछ ही समय बाद हमारी जो वेबसाइट होगी या है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो इसे मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, सो मैं सिंपली इसे इस प्रकार से अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। दैट्स अब कुछ बेटर लग रहा है ना, और आप कुछ क्रिएटिव चीज़ें भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप स्क्रॉल ऐड कर सकते हैं, आप कैलेंडर, डॉक्यूमेंट्स, मैप, यूट्यूब वीडियोस, बटन्स, जो भी आप देना चाहते हैं बटन्स में, इमेज स्क्रॉलर। मैं इस प्रकार से कुछ इमेजेस ऐड कर लेता हूँ जो कि नेचर से रिलेटेड होंगी। सेलेक्ट इमेज, मैंने सेलेक्ट इमेज पर क्लिक किया है। गूगल ड्राइव पर तो कुछ ऐसी इमेज नहीं है। सर्च फ्रॉम गूगल यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नेचर इमेज इमेजेस, नेचर इमेजेस लिखता हूँ। यहाँ पर कुछ बीटेक लिखा हुआ है, डोंट वरी, यहाँ पर कुछ नेचर से रिलेटेड ब्यूटीफुल फोटो आ चुकी हैं। और यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, एक बार में एक ही को सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? तो सिंपली इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, मैंने क्लिक किया और इसे इंसर्ट किया। सिंपली ये थोड़ी देर बाद यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर भी आप क्लिक कर दें और सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करें, गूगल सर्च, यहाँ पर आप लिख दें, थोड़ी क्रिएटिव लगेगी मेरे हिसाब से जो और यहाँ पर आपको सिंपली इंसर्ट पर क्लिक कर देना है, इंसर्ट हो जाएगी आपकी जो इमेज है। यहाँ पर भी आप सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करें और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नेचर। यहाँ पर नेचर इमेज जो आई है वहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ और एक ब्यूटीफुल नेचर की जो इमेज है वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दैट। यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ, आपकी जो इमेजेस हैं वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाती हैं। सो देखिए आपकी जो वेबसाइट है वो धीरे धीरे क्रिएट हो रही है। यहाँ पर इमेजेस आ चुकी हैं, नेचर पर कुछ टेक्स्ट है, इसके बाद मैं कुछ इसके बाद मैं एक फ़ोटो ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर लिख दूँगा मैं यज्ञदीप अहरवार, बस इतना लिख दूँगा। कॉपीराइट यज्ञदीप अहरवार काफ़ी है इतना। और सिंपली आप जो इसका फॉन्ट है वो थोड़ा बड़ा कर दें ताकि थोड़ा विजिबल हो सके सही तरीके से लाइक दैट। आप जो उसको कलर भी कर दें बॉर्डर को, एक कलर भी ज़रूरी होता है। सो मैंने यहाँ पर एक जो वेबसाइट है बेसिक वेबसाइट को क्रिएट करके आपको बता दिया है विद इन टेन मिनट्स। और सिंपली आपको इसे पब्लिश पर क्लिक करना है। आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। अब अपनी अपनी वेबसाइट का जो वेब एड्रेस है वो क्या रखना चाहते हैं तो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं आप। नेचर इज़ अवेलेबल तो मैं नेचर ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर रिक्वेस्ट पब्लिक रिसर्च इंजन इज नॉट डिस्प्ले योर वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है और सिंपली आप पब्लिश पर क्लिक, आपकी जो वेबसाइट है पब्लिश हो चुकी है। यहाँ पर आप क्लिक करें कॉपी पब्लिश लिंक, तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट की जो लिंक है वो मिल जाएगी। आप इसे कॉपी करें, न्यू टैब खोलें, आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे अपनी वेबसाइट का जो URL है, एंटर करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो आपको दिख जाएगी। सो दिस इज योर वेबसाइट नेचर, यहाँ पर नेचर के बारे में कुछ इमेजेस और एक फुटर है। सो मैंने सिर्फ 10 मिनट में आपकी जो वेबसाइट है और उससे भी कम समय में मैंने आपकी एक वेबसाइट, आप थोड़ी और समय देंगे तो इससे बहुत ही क्रिएटिव वेबसाइट इससे बना सकते हैं।
सो यदि भी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे प्लीज़। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।